सबसे एक बड़ा सवाल रहता है लोगों की कि क्या स्प्लिट्सविला स्क्रिप्टेड है। मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा। कैसे हो दोस्तों? आज कोई व्लॉग नहीं है क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी बहुत खराब थी। थोड़ी बहुत मतलब थी खराब एक्चुअली। कुछ सालों पहले मुझे एक सर्जरी हुई थी यहाँ पर मेरे अबडोमिनल में, और तो उसी में मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो कल मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था और कुछ भी रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा नहीं, एक दिन रेस्ट ले लेता हूँ प्रॉपरली आज, क्योंकि जो रिलेशनशिप अब हमारा एक बिल्ड हो चुका है, जो एक आदत अब डल चुकी है रोज वीडियो डालने की, आपके कमेंट्स पढ़ने की, और जो सब्सक्राइबर्स रोज रोज बढ़ते हैं तो उसकी लत लग गई है। तो वीडियो तो मुझे डालना ही था, और मैं सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एंड देन मेरे दिमाग में आया कि बहुत, जब से मैंने स्प्लिट्सविला का सीजन मेरा खत्म किया है उसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं आप लोगों के दिल में, आप लोगों के मन में, जो आपने मुझे कमेंट किए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, और मुझे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, ईमेल करा है। उन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको फुल एंड फाइनल दे दूंगा। स्प्लिट्सविला 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 स्प्लिट्सविला, वील टॉक ओनली अबाउट स्प्लिट्सविला टुडे। व्हाई आई वेंट टू स्प्लिट्सविला, हाउ आई वेंट टू स्प्लिट्सविला, व्हाट हैपेंड आफ्टर स्प्लिट्सविला, व्हाट हैपेंड इन स्प्लिट्सविला, एंड एवरीथिंग, स्टार्टिंग विद हाउ आई डिसाइडेड आई हैव टू गो टू स्प्लिट्सविला। आई वॉज ऑलरेडी शूटिंग माई मूवी हम चार विद राजश्री फिल्म्स इन नोएडा एंड मथुरा। पूरी जो हमारी फिल्म का प्रिपरेशन था वो कुछ 6-8 महीने चला। जो ये 6-8 महीने थे जिसमें मैं फिल्म की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने अपना फ़ोन वोन सब कुछ दूर कर दिया था, और पूरी एक प्रिपरेशन थी उस फिल्म में घुसने के लिए, उस कैरेक्टर में जाने के लिए, फिल्म की तैयारी के लिए। इट वॉज सच अ बिग बैनर, सच अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, सो आई हैड टू गिव माई 100%। तो मैंने अपने आप को पूरा वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर लिया था, मैं पूरा घुस चुका था इसमें। और जब मैं मूवी ख़त्म किया, मैंने रियलाइज़ किया कि यार मुझे ना कुछ हटके करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट ऑलवेज। एंड यू वोंट बिलीव मी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरा लास्ट डे था शूट का, उस दिन मुझे फ़ोन आया वायाकॉम से, कोलोजियम से, कि हम स्प्लिट्सविला का नया सीजन कर रहे हैं, क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? तो मैंने सोचा कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, राजश्री की फिल्म कर रहा हूँ, इसके बाद मैं स्प्लिट्सविला करूँगा। क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में, कभी कभी दोस्तों में, कभी कभी ऑडिशन जब आप देने जाते हो, तो जो भी लोग स्प्लिट्सविला करके आते हैं उनके लिए एक जजमेंट रहता है हमारा कि यार मतलब ये हो सकता है गधा हो सकता है ये सिर्फ मॉडल है, इसको एक्टिंग नहीं आती है, अरे इसने स्प्लिट्सविला किया है। स्प्लिट्सविला को हमेशा लोग थोड़ा सा, जो लोग अपने आप को बहुत कूल समझते हैं लाइफ में, वो स्प्लिट्सविला को थोड़ा सा डिग्रेड करते हैं, क्रिंज कॉन्टेंट है, देखते सब है। मैं भी बचपन में देखता था, मुझे भी घर पे डांट पड़ती थी, सबको घर पे डांट पड़ती थी जब वो बचपन में देखने की कोशिश करते थे रोडीज या स्प्लिट्सविला। अब मैं बड़ा हो गया था, अब डिसीजंस मेरे हाथ में है, मुझे क्या करना है मेरी लाइफ के साथ, मुझे किस तरीके के डिसीजंस लेने, मैं लोगों की परवाह करूं, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उनके बारे में सोचूं, या मैं अपने मन की करूं। क्यों मुझे स्प्लिट्सविला वालों से फोन आया कि आप पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं? मुझे फोन इसलिए आया, मैं एक फिल्म कर रहा था वायोकॉम के साथ जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर थे, और वो फिल्म हुई नहीं, वो बनी नहीं कभी। तो मैं वायाकॉम के ऑफिस जाया करता था मेरे वर्कशॉप्स के लिए, मेरे कभी कभी लुक टेस्ट के लिए, वहां पर मुझे वायाकॉम वालों ने देखा था। वो फिल्म नहीं हुई लेकिन उनको याद था कि एक लड़का है अंशुमन करके, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि क्या अंशुमन आप हमारे शो स्प्लिट्सविला का पार्ट होना चाहेंगे? तो मैंने उनको बोला सर आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ। अब मैंने सोचा कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है मेरी लाइफ पे, मेरे करियर पे। मैंने कहा कि फिल्म मैंने करी है, ये फिल्म जो मैं कर रहा हूँ हम चार के साथ, अब मुझे कितने लोग जानते हैं इस मोमेंट में, कितने लोग जानते हैं कि भाई हाँ अंशुमन है, अरे कि अंशुमन गुड लुकिंग लड़का है या गुड लुकिंग नहीं है, कोई मैं इतना भी मतलब ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिखता हूँ। तो आप सोचते हो ना यार कि फिल्म में आपने इतना 100% लगाया है, वो फिल्म को डिलीवर करना भी तो बहुत ज़रूरी है। जब तक ऑडियंस वो फिल्म देखेगी नहीं, तब तक उनको पता कैसे चलेगा कि अंशुमन अच्छी एक्टिंग करता है या अंशुमन अच्छी एक्टिंग नहीं करता है, या ये स्टोरी कैसी है, स्टोरी अच्छी है नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म बना लेने के बाद होता है कि फिल्म को हम डिलीवर कैसे करें ऑडियंस को। अब मैंने सोचा कि भाई राजश्री इतना बड़ा बैनर है, वो लोग अपना 100% करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं? तो मैंने सोचा कि अगर मैं स्प्लिट्सविला कर लेता हूं, मैं तो मैं हूं, मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं एंटरटेन करूंगा लोगों को,
लोग मुझे पसंद करेंगे, अगर वो मुझे पसंद करेंगे तो हो सकता है स्प्लिट्सविला के बाद जब मेरी फिल्म ये रिलीज हो रही होगी तो वो लोग ये फिल्म देखने आएंगे। तो मैं वो सोच रहा था कि मजा तो आएगा ही, अभी 6 महीने फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, अब 1 महीने जाके स्प्लिट्सविला के लिए शूटिंग करेंगे तो एकदम ही डिफरेंट एटमोसफेयर है। तो मैंने सोचा मजा भी आएगा और इस मजे से मुझे भी फायदा होगा, मेरी फिल्म को भी फायदा होगा। मैंने स्प्लिट्सविला वालों को फोन किया, मैंने उनको बोला कि मैं इस शो का हिस्सा बनूंगा। उन्होंने बोला सर आप एक अपना इंटरव्यू, एक इंट्रो टाइप का आप मुझे रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, आपने क्या क्या किया है लाइफ में, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या हॉबीज हैं, क्या करना पसंद है, क्या करने का, जो भी आपके मतलब लाइफ के बारे में। उन्होंने बोला ठीक है और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं स्प्लिट्सविला पहुंचा तो मैं आपको पूरी चीज बताता हूं कि जब मैं वहां गया तो मुझे, जैसा कि सब लोग जानते हैं, श्रुति जो थी वो पसंद आई, आई लाइक्ड हर, आई हैव दिस सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डांसर्स एंड पीपल हु डांस, एंड श्रुति इज सच अ ग्रेट डांसर एंड आई एम ऑलवेज इन ऑ ऑफ हर एंड आई वॉज इन ऑ ऑफ हर व्हेन आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज ग्रेट। सो आई टोल्ड हर बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट बिटवीन अस। उसका ऑलरेडी कुछ एक रिलेशनशिप था जो रोहन के साथ था और हमारे साथ चीजें नहीं चली मेरे और श्रुति के साथ। अब ये शो किस चीज के बारे में, ये शो प्यार के बारे में। वो शो जो शूट होता है, जो आप लोग 6-8 महीने में हर हफ्ते एक एपिसोड देखते हैं, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो लोग जाते हैं वहां पर, 1 महीने में पूरी चीज को शूट करके आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि 1 महीने में क्या कभी किसी को प्यार होता है? कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं हो जाता है, कभी कभी एक दिन में प्यार हो जाता है, कभी कभी एक पल में प्यार हो जाता है, कभी कभी सालों में प्यार नहीं होता। पर अब आप शो में जब आ जाते हो तो शो का मोटिव क्या है? शो का मोटिव है आप अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढो, आप देखो कि आप कि क्या उसमें चीजें जो हैं आप आइडियल मैच है या नहीं है, आपका एक दूसरे के साथ बनता है कि नहीं बनता है, आप एक दूसरे को जाने। इतने सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप जो आपको जिस तरीके का इंसान पसंद है आप उसको ढूंढने की कोशिश करें, उनके साथ परफॉर्म करने की कोशिश करें। आप जीतते हैं तो अच्छा है, नहीं जीतते हैं तो कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि इस शो में आप अकेले तो आगे नहीं जा सकते, ये रोडीज तो नहीं है, ये शो का मतलब है प्यार। लोग इस शो को देखने आते हैं कि भाई वो प्यार देखें, वो देखें दो कपल्स को, देखें दो कपल्स को साथ में परफॉर्म करते हुए देखें। तो आपको पार्टनर तो ढूंढना ही पड़ेगा। कभी कभी शायद लोगों को नहीं होता होगा कि भाई हाँ मुझे इससे प्यार नहीं है, पर एक दोस्ती होती है, एक दोस्ती होती है कि हाँ हम और ये दोस्त हैं, क्योंकि हम दोनों को कोई प्यार नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि सब कंटेस्टेंट्स को प्यार मिल जाए, ऐसा तो दुनिया में नहीं होता ना कि आपको हर बार जो चीज चाहो वो मिल जाए और हर इंसान को मिल जाए, नहीं होता। तो वैसे ही ये भी, यहाँ प्यार कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, पर फिर भी आपको शो तो जीतने की इच्छा है। आप किसी ना किसी को पार्टनर बनाना चाहोगे, किसी से दोस्ती करना चाहोगे, किसी और को ढूंढना चाहोगे। ये नहीं अगर इनसे अब मेरा श्रुति के साथ नहीं हुआ मुझे श्रुति, ऐसा तो नहीं कि मैं अपसेट होके बैठ जाऊं कि नहीं अब तो मुझे श्रुति चाहिए, श्रुति चाहिए, श्रुति चाहिए। मुझे भी अपने लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी अगर मुझे शो में आगे जाना है। तो मैं आगे गया रोशनी के साथ, क्योंकि मुझे लगा कि रोशनी और मैं पहले से थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे, और शो पे आए तो हमने कहा एक दूसरे को और जानने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम कंफर्टेबल हैं ऑलरेडी, हम दोस्त हैं। तो जानने की कोशिश करी, मुझे रोशनी अच्छी लगी, रोशनी को मैं अच्छा लगा, हम दोनों के बीच में केमिस्ट्री हुई, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए और शो आगे बढ़ने लग गया, हम अच्छा करने लग गए। उसके बाद रोशनी बाहर चली गई, जो भी हुआ उसके बाद मैं सेमीफिनाले तक गया। मैं शो नहीं जीत पाया पर मुझे उस बात का बिल्कुल गम नहीं था, क्योंकि रोशनी बाहर गई, रोशनी आई, मैं जिस पार्टनर के साथ खेलना चाहता था मैंने उस पार्टनर के साथ खेला, हार भी गया तो कोई तकलीफ नहीं है। सच बता रहा हूँ, मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा, मेरा शो खत्म हो चुका है, मैं वापस स्प्लिट्सविला नहीं जाना है मुझे या कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो शो स्क्रिप्टेड नहीं है। मेरे लिए भी ये बात शॉकिंग थी जब मैं वहां गया था। जब मैं वहां गया था तो मुझे लगा कि यार मुझे कोई कुछ तो बताएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। जरूर इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं वहां पर जो स्प्लिट्सविला के मेकर्स हैं, वो आके जरूर, जैसे अंशुमन को आज किसी ने गाली दे दी तो वो आके मुझे बोलेंगे कि यार अंशुमन तू अगर उसको रिएक्ट ही नहीं करेगा, या तू उसने किसी इंसान ने तुझे गाली दी तो उसको जवाब नहीं देगा, तो हम एपिसोड में क्या दिखाएंगे? क्योंकि कोई मुझे बोले हाय तो मैं हाय बोलूंगा ना, कोई मुझे हाय बोले मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो अब टीवी में वो कैसे आएगा? तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना वहां पे शो को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एज अ कंटेस्टेंट आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप परफॉर्म अच्छे से करें, आप अपना 100% दें, आप फ्रेश लगे। वो एक शो है, एक शो बन रहा है, वो ऑडियंस के पास जा रहा है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एंटरटेनर्स कि हम ऑडियंस को एंटरटेन तो करें। तो वो शो स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो लोग बोलते भी हैं, जो लोग अभी भी बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं,
मेरे भाई मेरे को झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा। जब हम शो से अब बाहर आए, मैं और रोशनी, कुछ टाइम तक हमारे बीच में सब चीजें सही चल रही थी, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था, बट कुछ चीजें वर्कआउट नहीं करती कभी कभी। दोस्तों जैसे रिलेशनशिप सिलसिला के अंदर होता है, वैसे रिलेशनशिप लाइफ में भी बाहर भी होता है। मेरी अभी तक भी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था तो मुझे लगा होगा कि हाँ ये मेरा पहला प्यार है, पर प्यार जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको समझ में आता है कि यू ऑलवेज कीप ट्राइंग टू फाइंड समवन और दी अदर। आप किसी ना किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश जरूर करते रहते हैं। मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है तो अच्छी बात है, किसी किसी को नहीं मिलता, लेट मिलता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरा और रोशनी का जो रिलेशनशिप एंड हो गया, मैंने उसके बारे में कभी कोई ज्यादा बात नहीं करी या उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि उस समय पर मैं उतना अपने आप को बाहर रखने के लिए तैयार नहीं था। अभी मैं हूं तो मैं अभी बता सकता हूं कि हमारा रिलेशनशिप एंड हो गया और उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। लोग ने कहा कि भाई, लोग कहते हैं कि स्प्लिटसला में लोग आते हैं वहां पे उनका रिलेशनशिप रहता है, फिर टूट जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है। इट इज द मोस्ट नॉर्मल थिंग, ये सबसे नॉर्मल थिंग है। आपने उनको शो में पसंद किया, बाहर आए, अब उनकी अपनी लाइफ है। कभी कभी उनके बीच में चलती हैं चीजें, कभी कभी नहीं चलती, अब वो उनका डिसीजन है, उन्होंने खत्म कर दिया। इसमें आपको बिल्कुल हैसल होने की जरूरत नहीं है। यू आर ग्रेट ऑडियंस, आप लोग मजे करो, आप लोग शो के लुत्फ उठाओ, आप लोग शो का मजा उठाओ। एक शो है, वो एक शो को शो की तरह आपको खेलना पड़ेगा। हम तो एक महीने में ही प्यार करके बाहर निकल के जीत के सब कुछ हो जाता है, आप उसको 9 महीने में देखते हो, आपको लगता है इनकी लव स्टोरी इतनी लंबी चल रही है, वो 1 महीने का है पूरा शूटिंग। मैं पर्सनली स्प्लिट्सविला के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, रणविजय सर के लिए थैंकफुल हूँ, सनी लियोनी के लिए थैंकफुल हूँ। उनसे ज्यादा प्यारा इंसान मैं इस दुनिया में कभी नहीं मिला हूँ। मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान है। उनको देख के सिर्फ खुशी होती है। जब मैं स्प्लिट्सविला में जा रहा था तो मुझे भी डर लग रहा था, मुझे लग रहा था यार वहां पर इतने गुड लुकिंग लड़के होंगे, उनके एब्स होंगे पूरे, मतलब मोटे मोटे एब्स, और मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा यार। और एक कॉम्प्लेक्स होता है कि यार मैं मतलब उनसे ज्यादा गुड लुकिंग हूँ या नहीं, उनके जितना हूँ कि नहीं, वो मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग हुए, तो ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पे, ये जो इनसिक्योरिटीज आपकी होती हैं ये आपको हटानी चाहिए। जैसे हम लोग स्कूल में होते थे तो स्कूल में रेसिंग कॉम्पिटिशन होता था, एनुअल डे फंक्शन होता था, तो हम लोगों को आदत थी कॉम्पिटिशन में होने की, कि रेसिंग कॉम्पिटिशन है, कोई एग्जाम का कॉम्पिटिशन है, कुछ कॉम्पिटिशन है। अभी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम कंफर्टेबल होते जाते हैं हमारी लाइफ में, कि हाँ नहीं ठीक है, ये मेरा घर है, मुझे यहीं अच्छा लगता है, हाँ मुझे मेरे ये कैबिन में अच्छा लगता है, मुझे इन्हीं लोगों से बात करना अच्छा लगता है। हम अपने आप को अनकंफर्टेबल कंडीशन से दूर रखते हैं। तो मैंने वही सोचा कि यार मुझे अगर इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है ये सोच के कि वहां पे गुड लुकिंग लड़के होंगे या ये होगा वो होगा, इनसिक्योरिटी है, मुझे इस चीज को जाके हटाना चाहिए, मुझे वापस से कॉम्पिटिशन में उतरना चाहिए। मैं 2-3 दिन तो बहुत नर्वस था जब शुरू हुआ, मुझे लग रहा था अगर मैं पहले ही बाहर हो गया, पहले हफ्ते में बाहर हो गया तो क्या मुझे फील होगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पर एक हफ्ते के बाद मैं सच बताऊं, मैं पूरी फील में आ चुका था, जैसे मैं स्कूल में हूं, कि ये कॉम्पिटिशन है, मुझे जीतना ही जीतना है, आई हैव टू गिव माई 100%। घुटना कट रहा है, फट रहा है, टूट रहा है, चोट लग रही है, बॉडी में यहाँ पे घास से खिंच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खून निकल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जीतना है, शो जीतना है कुछ भी करके। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। जो भी लोग सिलसिला में जाना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगा कि लोग आपको जज करेंगे बाद में, करने के दौरान, इस दुनिया में कभी किसी के बारे में मत सोचो मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, वो स्प्लिट्सविला करके हो या घर में सफाई करके हो, खाना बना के हो, या इस दुनिया में कुछ भी करके हो, जो आपका दिल करे आप वही करो, क्योंकि जब आप वो करोगे तो आप 100% दोगे अपना, और जब आप 100% दोगे तो आपको भी खुशी होगी, और जब आप खुश हो तो फिर काम अच्छे से होगा, आपको बोर नहीं होगा, लेजी नहीं होगा, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जस्ट डू व्हाट यू लव डूइंग, मैं वही करता हूं, मुझे जो मन में आता है, मुझे स्प्लिट्सविला करने का मन करता है मैं स्प्लिट्सविला करता हूं। फिल्म करने के बाद लोग बोलते हैं यार ये कैसा डिसीजन है, लोग सबसे पहले स्प्लिट्सविला करते हैं फिर वो फिल्मों के लिए ट्राई करते हैं, उनको फेम मिलती है। जब मैं फिल्म करके वापस स्प्लिट्सविला में, टू ब्रेक द पैटर्न, मैं इस दुनिया के पैटर्न्स को ब्रेक करना चाहता हूं, कि लोग कह रहे हैं कि नहीं यहां से जाना ही सही है, यहां से जाके तो देखूं मैं बाकी रस्तों से यार, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा नहीं है। तुमने मुझे बता दिया हाँ यही सही है, सब पे विश्वास तो नहीं कर सकता मैं, या सबकी बात तो नहीं सुन सकता, सबका कहावा तो नहीं सुन सकता, मुझे अपना भी रास्ता बनाना है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है, सब लोग ऐसे ही जीना चाहते हैं। तो बस मेरा ये एक्सपीरियंस था दोस्तों स्प्लिट्सविला का, और मैं सच में थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है हमेशा से, स्प्लिट्सविला में भी, स्प्लिट्सविला के बाद भी, उससे पहले भी।
तो बस मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो इसका, तो ये लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आप लोगों को।